नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा बलेरो B6 ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएंट्स की। तो टोटल इसमें आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, B4, B6, B6 ऑप्शनल वेरिएंट। और ये जो हमारे पास खड़ा है B6 ऑप्शनल वेरिएंट है, तो आज हम इसी की कंप्लीट डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें चाबीज की। तो इसमें आपको दो चाबी मिल जाती हैं और दोनों ही आपको फ्लिप की मिल जाती हैं, मगर एक में ही आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, जिसमें आपको तीन बटन्स मिल जाते हैं, लॉक के, अनलॉक के, और एक बटन आपको इसमें और मिल जाता है जिससे आप इंडिकेटर इसके फ्लैश कर सकते हैं। जैसे ही हम बटन दबाएंगे इंडिकेटर इसके फ्लैश होने लगेंगे और दबा देंगे तो फिर बंद हो जाएंगे। और नॉर्मल इसमें दूसरे लॉक अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं और इसके ऊपर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है। जैसे ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हैं तो ये दो बार फ्लैश होता है। और इसकी सेम की ऐसी दूसरी रहने वाली है, मगर इसमें कोई भी सेंटर लॉकिंग का यूज़ नहीं किया गया है। मैं आपको दिखा दूँ, नॉर्मल इसमें महिंद्रा का लोगो, पीछे टेक्सचर का यूज़ किया गया है और ये आपको नॉर्मल की मिल जाती है, फ्लिप की मिल जाती है, और इसमें कोई भी सेंटर लॉकिंग का यूज़ नहीं किया गया है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट से। तो इसमें फ्रंट में आपको देख सकते हैं महिंद्रा का लोगो, और जो आपको इसमें ग्रिल मिल जाती है सीधी, ये आपको काफ़ी चौड़ी ग्रिल मिल जाती है। और इसमें सेंटर में क्रोम का यूज़ किया गया है सिर्फ आगे वाले पार्ट में, और इस तरफ नॉर्मल ये गन मेटल फिनिश में है, ग्लॉसी फिनिश में। और नीचे की तरफ इसमें आपको बम्पर मिल जाता है जो कि लोहे का है। बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है बोलेरो के बारे में, कि बोलेरो की रफनेस और टफनेस के बारे में। और नीचे की तरफ इसमें आपको स्किड प्लेट टाइप की मिल जाती है जो कि बम्पर से जुड़ी हुई है। और हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हाई बीम और लो बीम के लिए बल्ब मिल जाता है। और इस तरफ आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है और नीचे की तरफ इसमें आपको पोजीशन लैंप भी मिल जाती है। और बात कर लेते हैं सबसे पहले टायर सेक्शन के। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको 215/75 R 15 inches के आपको स्टील व्हील मिल जाते हैं। और टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ये आपको इसमें फेंडर पे ही दिया गया है। और ये वाला पार्ट आप इसमें देखेंगे तो ये आपको पूरा कनेक्टेड मिलता है आगे की तरफ। और ये इसमें व्हील आर्चेस इसमें दिए गए हैं और यहाँ पर फिलहाल स्टिकर लगा हुआ है। और ओआरवियंस की बात करें तो ये आपको बॉडी कलर्ड ओआरवियंस मिल जाते हैं जिनको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहाँ पर आपको एंटीना मिल जाता है और आगे बोनेट पे आपको यहाँ पर वॉशर मिल जाते हैं, वाइपर आप देख सकते हैं नॉर्मल इसमें मिल जाते हैं। और साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं ये ब्लैक कलर की फिनिश में मिल जाते हैं। खाली इसमें नीचे के पार्ट में आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें मेटल का यूज़ किया गया है। और यहाँ से आप मैनुअली सेंटर लॉकिंग कर सकते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और पीछे की डोर हैंडल्स में भी सेम ऐसी मेटल फिनिश का इसमें यूज़ किया गया है। और साइड में इसमें आपको फुट स्टेप भी मिल जाता है, आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी ऊँची है, तो ये भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं रियर की। तो इसमें आपको सबसे पहले देखेंगे इसमें आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है। और टेल लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको ऊपर की तरफ रिवर्स लाइट, सेंटर में आपको ब्रेक लाइट और नीचे की तरफ इसमें टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। और सारे ही बल्ब्स में हलोजन बेस्ड हैं। और इसका जो ये वाला पार्ट है, साइड का पार्ट है, ये आपको रेड कलर की फिनिश में मिल जाता है। और इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं दो, जो आपको इस तरफ और दोनों तरफ मिल जाते हैं। और पीछे की तरफ भी इसमें आपको साइड स्टेप दिया गया है जिसे आप डोर खोल के अंदर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का प्रोविज़न, यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है इसके लिए, और ये आपका एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है। और एक बार हम बोर्ड को भी खोल के देख लेते हैं तो यहाँ पर इसमें हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर आपको की होल भी मिल जाता है, यहाँ से आप की से भी खोल सकते हैं। और फिलहाल देखिए आप इसमें दो सीट्स मिल जाती हैं पीछे की तरफ। फिलहाल तो इसमें कुछ लगेज रखा हुआ है, लगेज का बॉक्स रखा हुआ है, और दो सीट्स मिल जाती हैं जो कि ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। और इनको आप गिराना चाहें तो ये जो आपको स्ट्रैप मिल रही है इसको आप नीचे की तरफ कर दीजिए, सीट्स इसकी नीचे की तरफ हो जाएंगे। और पीछे यहाँ पर आपको हैंडल मिल जा रहा है और यहाँ पर आपको ये डोर खोलने के लिए भी मिल जा रहा है, फिलहाल तो मैं इसको डोर ही कहूँगा। और विंडशील्ड पे आपको वाइपर, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाती है। और डिफॉगर का ऑप्शन बलेरो में नहीं आता है, ये आपका वाइपर हो गया। और इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको वॉशर मिल जाता है। और लेफ्ट साइड आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है जो कि 60 लीटर्स का है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बलेरो की ब्रांडिंग दी गई है और BS6 वेरिएंट है, इसमें BS6 लिखा हुआ है। ये ब्लैक पार्ट नहीं, मैं आपको दिखा दूँ, ये नॉर्मल इसमें ऐसे BS6 लिखा हुआ है। और ये फिलहाल इसकी सेफ्टी के लिए ऐसे लगा हुआ है, तो इसको लगा देते हैं। और ये आपको पीछे की तरफ क्लैडिंग भी मिल जाता है। तो ये सब था बलेरो के एक्सटीरियर में, आइए चलते हैं अंदर की तरफ और बात कर लेते हैं बलेरो के इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले जो आप डोर देखेंगे तो ये आपको नॉर्मल मिल जाता है, ये आपको पैनल मिल जाता है और यहाँ से आपको पकड़ के बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी है और स्टोरेज स्पेस में आपको नीचे की मिल जाती है। फिलहाल तो इसमें आपको दो जगह स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मगर बॉटल होल्डर नहीं मिलता है, बॉटल होल्डर दिया जाना चाहिए था जो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर आपको डोर ओपनिंग लीवर मिल जाता है ब्लैक फिनिश में जो कि है। आइए चलते हैं अंदर की तरफ और बात कर लेते हैं इंटीरियर की। तो सबसे पहले हम इसका इग्निशन ऑन कर लेते हैं और इसके आप देख सकते हैं इसकी सराउंडिंग इल्यूमिनेट होती है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। रात के समय अगर आप चाबी लगाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो इसका मीटर कंसोल कुछ ऐसा दिखता है, ना तो ये सेंटर में है और ना तो ये बीच में है। फिलहाल एक बार इस म्यूज़िक ऑफ कर दें और इसमें आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, इस तरफ ये ब्लिंक हो रहा है, इस समय लो फ्यूल है इसलिए ब्लिंक हो रहा है, और इस तरफ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और ठीक उसके बगल में ही छोटा सा आपको इसमें आरपीएम मीटर भी मिल जाता है, और उसके नीचे आपको ओडोमीटर मिल जाता है कि गाड़ी ने कितना ट्रैवल किया है, और टोटल चीज़ें आपको वहीं पर दिखाता है। और ऊपर की तरफ इसमें आपको हीटिंग दिखाता है, फ्यूल बार आपको ये मिल जाता है। फिलहाल तो इसमें फ्यूल लो है तो एक भी बार नहीं जल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हीटिंग का बार जल रहा है, ऐसे ही सेम इसमें बार्स जलते हैं। और इसमें आपको वार्निंग लाइट्स भी यहीं पर शो करता है। सेंटर में बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको ट्रिप के बटन मिल जाते हैं, यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसमें ट्रिप वगैरह इसमें चेंज कर सकते हैं, और इसी में आपको माइलेज भी शो करेगा, एवरेज फ्यूल और डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पर शो करता है। DTE 11 किलोमीटर्स फिलहाल इसमें दिखा रहा है, और ट्रिप वगैरह इसमें यहाँ पर सेंटर में शो करता है। और यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैंप का स्विच मिल जाता है अंदर की तरफ। और बात कर लें डैशबोर्ड एरिया की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल सा इसका डिज़ाइन रखा गया है काफ़ी। और इस तरफ आपको एयरबैग मिल जाता है, नीचे की तरफ इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि डिसेंट साइज़ का है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। और ट्रिम की बात करें तो ये आपको लाइट शेड में मिल जाता है, लाइट ब्राउन कह लीजिए, और ये वाला जो पार्ट है ये आपको डार्क ब्राउन में मिल जाता है। एसी वेंट्स की सराउंडिंग भी इसमें नॉर्मल की दी गई है, और यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है। टॉप वेरिएंट्स में इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी आता है जो कि महिंद्रा का है और कैनवुड का है, और ब्लूटूथ म्यूज़िक सिस्टम इसमें मिल जाता है, काफ़ी सिंपल सा है, बेसिक सा, और इसमें आपको FM ऑक्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। ठीक उसके नीचे आपको AC के कंट्रोल है, नॉर्मल से इसमें डायल आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से आप खाली टेम्परेचर इसका सेट कर सकते हैं और यहाँ से इसकी फ़ैन की स्पीड सेट कर सकते हैं। और ये आपको डिफॉगर का मिल जाता है, जिसे आप प्रेस कर देंगे तो आगे की तरफ आवाज़ आने लगेगी और ये इल्यूमिनेट हो जाएगा। और यहाँ नीचे की तरफ बात कर लें तो यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आ जाता है इसमें। और गियर लीवर की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा गियर लीवर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस हाथ से नापने में भी नहीं आएगा। और गाड़ी आपको सिर्फ और सिर्फ 5-speed मैनुअल डीजल इंजन के साथ मिल जाती है, और एक आपको रिवर्स गियर भी इसमें मिल जाता है। सेंटर में इसमें आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है, नीचे की तरफ कप होल्डर मिल जाते हैं, और पावर विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलते हैं, जैसे आप गाड़ियों में नॉर्मल देखते हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, मगर इसमें बलेरो में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये नीचे की तरफ दिए गए हैं, ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और जो भी सारी विंडोज़ हैं ये आपको नॉर्मली इसमें होल्ड करके रखना पड़ेगा, किसी भी तरीके का ऑटो अप या ऑटो डाउन का फंक्शन इसमें नहीं आता है। और पीछे की तरफ इसमें आपको पावर विंडोज़ लॉक करने का स्विच मिल जाता है, यहीं से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस और दी गई है। और ऊपर की तरफ बात करें तो इसमें आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं डे एंड नाइट। और सनशेड तो आप देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल सा सनशेड है, और इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे निकाल के इस तरफ एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसमें किसी भी तरीके का टिकट होल्डर या फिर वैनिटी मिरर का ऑप्शन नहीं आता है। और इस तरफ जो आपको सनशेड मिलता है वो भी आपको नॉर्मल मिल जाता है, किसी भी तरीके का मिरर इसमें नहीं आता है। और यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है, सेंटर में इसमें आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है, ना जो आगे है ना पीछे है, इसमें आपको सेंटर में मिल जाती है, और ये हलोजन बेस्ड रीडिंग लैंप है। और इस तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है जो कि फिक्स्ड है, ड्राइवर साइड नहीं आता है। मुझे लगता है ड्राइवर साइड आना ज़रूर चाहिए था, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो वो ज़रूर होना चाहिए था। और सेंटर में बात कर लें तो आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है नॉर्मल, इसमें महिंद्रा का टिपिकल स्टेयरिंग व्हील, और सेंटर में इसमें महिंद्रा का लोगो, और ये आपको हॉर्न पैड मिल जाता है, इसी के अंदर एयरबैग मिल जाता है, और किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट नहीं आती है, या आप अप एंड डाउन एडजस्ट कर सके या रीच इसकी एडजस्ट कर सके, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और इस तरफ बात करें तो इस तरफ आपको हेडलाइट लेवलिंग स्विच मिल जाता है, और इस तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, जिसे आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिलहाल तो इसमें ग्रीन कलर की लाइट इल्यूमिनेट हो रही है, आप देख सकते हैं, और जब इसको बंद कर देंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। AC वेंट्स आपको सराउंडिंग उसकी ब्राउन कलर में मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी डिसेंट सा लगता है, सही है। चलो तो ये सब था बलेरो के इंटीरियर में, आइए चलते हैं एक बार पीछे की तरफ और बात कर लेते हैं इसके पीछे कम्फर्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं ड्राइवर साइड सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से, और उसके बाद चलते हैं पीछे की तरफ। तो इसके लिए भी आपको फुट स्टेप दिया गया है, पीछे का पैसेंजर अगर बैठता है तो उसको भी फुट स्टेप का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और बलेरो में चढ़ना और उतरना अपने आप में काफ़ी मशक्क़त का काम है। तो रियर सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं मुझे हेडरूम लेग रूम मुझे ना के बराबर मिल रहा है, मगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि ये सीट्स देख सकते हैं आगे की तरफ हो जा रहे हैं, इसमें अब आपको पॉकेट्स भी मिल जाते हैं, तो मुझे कोई खासी दिक्कत नहीं होने वाली, मेरी हाइट 6 feet है। और बात करते हैं डोर पर आपको कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है,
और यहाँ पर आपको डोर ओपनिंग लीवर सेम आगे की तरह मिल जाता है, और ये लॉक अनलॉक का आपको इसमें नॉब मिल जाती है, और ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जिसमें आप चाहे कुछ सिक्के वगैरह या कुछ भी इसमें रख सकते हैं। और सेंटर में हम्प की बात करें तो बिल्कुल नॉर्मल सा हम्प है, और तो इसमें 3 पैसेंजर आराम से बैठ जाएंगे अगर वो पतले दुबले हैं तो। और सेंटर में इसमें आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और इसमें जो आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं वो आपको चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे दो और आगे की तरफ इसमें आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। तो ये सब था बलेरो के इंटीरियर में, आइए चलते हैं एक बार बाहर की तरफ और बात कर लेते हैं बलेरो की प्राइसिंग, कलर ऑप्शंस और सेफ्टी फीचर्स के बारे में। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो आपको पीछे स्पेयर व्हील मिल रहा है ये ऐसे नहीं मिलता, इसमें आपको कवर भी मिल जाता है प्रॉपर, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर। और फिलहाल तो ये आप देख सकते हैं आगे अंदर की तरफ रखा हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं बलेरो के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें आपको काफ़ी लिमिटेड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, एयरबैग्स, रिवर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और इंजन इमोबिलाइजर जैसे सेफ्टी फीचर्स में मिल जाते हैं। और कलर ऑप्शंस की बात करी जाए तो टोटल इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं डायमंड वाइट कलर, मिस्ट सिल्वर और लेक साइड ब्राउन कलर इसमें मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं फाइनली इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो एक्सशोरूम प्राइस की बात करें 10,26,400 रुपये है इसका एक्सशोरूम प्राइस, और ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 12,00,000 ऑन रोड पड़ जाती है आपको लखनऊ में। तो ये सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही फर्दर कार रिलेटेड अपडेट्स के लिए।